सात चरण के चुनाव संपन्न हुए, 7 तारीख को, और उसके बाद 6 चरण के जो पीछे के चुनाव संपन्न हुए, उस समय श्री अखिलेश यादव जी ने ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। 7 चरण के चुनाव के बाद जो अलग अलग चैनलों एजेंसियों के माध्यम से एग्जिट पोल आए, जिसमें भाजपा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, उसके बाद उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके तथाकथित गठबंधन कहूं हटबंधन करने वाले जो उनके साथी सहयोगी हैं, वो सब बौखलाए हुए, और उनके आरोप निश्चित तौर से माहौल को खराब करने की कोशिश है। श्री अखिलेश यादव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, धैर्य रखो, 10 तारीख को मतगणना होगी, और मतगणना के बाद जो भी ईवीएम मशीन के अंदर जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके भेजा होगा वो सामने आ जाएगा। किसी अधिकारी के ऊपर आरोप लगाना, आयोग के ऊपर आरोप लगाना, यह शोभा नहीं देता है। उत्तर प्रदेश में पहली बार शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए मैं सबसे पहले चुनाव आयोग को, पुलिस और प्रशासन को और जनता का धन्यवाद करता हूं। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी, आपने यह भी करने की आवश्यकता नहीं समझी। आपने लोकतंत्र को बचाने के लिए आखिरी बार आखिरी चुनाव बताया और इसके खिलाफ क्रांति करने की बात कही। अरे परिवारवाद की राजनीति करने वाले श्री अखिलेश यादव जी, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की रक्षक है, परिवारवाद से बचाने की रक्षक है, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं से बचाने की कोशिश किया है। इसके कारण आज उत्तर प्रदेश का एक अच्छा माहौल है। लोग सुरक्षा चाहते हैं, लोग विकास चाहते हैं, गरीबों के साथ जो योजनाएं उन तक पहुंचनी चाहिए डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो लगातार पहुंची है, उससे लोग खुश हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के हमारे प्रत्याशियों को समर्थन दिए हैं। एग्जिट पोल से भी अच्छे नतीजे, जब एक्चुअल में जब गिनती होगी तब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के पक्ष में आएंगे। आपके इस प्रकार के बयान मुझे लगता है कि आप बौखलाहट में, घबराहट में देने का काम किए हैं, या तो आपके सपने में कोई आ गया होगा और कहा होगा अखिलेश यादव जी बंद करो प्रयास 22 में। मैंने पहले भी कहा था बंद करो प्रयास 22 में, करना प्रयास 27 में, क्योंकि साइकिल गई नुमाइश में। जनता ने ही आपकी साइकिल को नुमाइश में भेज दिया है, जनता ने नकार दिया है। जातिवाद की राजनीति करने वाले, भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाले, गुंडों के बल पर राजनीति करने वाले, दंगाइयों के बल पर राजनीति करने वाले, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले जब चुनाव हार की स्थिति में पहुंच जाते तो इस प्रकार के बयान दें। सर, मतगणना के 2 दिन पहले इस तरह के बयान, वो भी मुख्यमंत्री ऑफिस को भी उन्होंने आरोप लगाए और बड़े अधिकारियों को भी आरोप लगाए। ये मैंने कहा चुनाव में हार की संभावना अस्पष्ट तौर से देख करके इस प्रकार की बयान